दोस्तों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। यहां बात करें सीआईबी का रिटेल बैंकिंग का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 है। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन रिटेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है रिटेल बैंकिंग के लिए। ए ऑप्शन है बी टू बी अप्रोच, बिजनेस टू बिजनेस, बी ऑप्शन है सी टू सी अप्रोच एंड कस्टमर टू कस्टमर, बी सी ऑप्शन है बी टू सी अप्रोच एंड बिजनेस टू कस्टमर, डी ऑप्शन है सी टू बी अप्रोच एंड कस्टमर टू बिजनेस। जो सही ऑप्शन आ जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यानी बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड इन होलसेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा अप्रोच को यूज किया जाता है होलसेल बैंकिंग के लिए। ए ऑप्शन है बी टू बी अप्रोच एंड बिजनेस टू बिजनेस, बी ऑप्शन है सी टू सी अप्रोच कस्टमर टू कस्टमर, सी ऑप्शन है बी टू सी अप्रोच बिजनेस टू कस्टमर, डी अप्रोच है डी क्वेश्चन डी ऑप्शन है सी टू बी अप्रोच कस्टमर टू बिजनेस। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिस्टिंक्शन इन रिटेल एंड होलसेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा बात सही नहीं है यानी वो बात गलत है, ठीक है, जहां पर डिस्टिंक्शन करना होता है या डिस्टिंग्विश करना होता है रिटेल बैंकिंग को होलसेल बैंकिंग के साथ। ए ऑप्शन है रिटेल बैंकिंग इज ए मास मार्केट बैंकिंग मॉडल वेयर इज होलसेल कॉर्पोरेट बैंकिंग कैटर्स टू रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेट क्लाइंट बेस। बी ऑप्शन है द टिकट साइज ऑफ लोन इन रिटेल बैंकिंग इज लो वेयर इज द टिकट साइज इज हाई इन कॉर्पोरेट लोन। सी ऑप्शन है रिटेल इज वाइड स्प्रेड इन रिटेल बैंकिंग इज कस्टमर बेस इज यूज वेयर इज इन कॉर्पोरेट बैंकिंग द रिटेल वेयर इज इन द कॉर्पोरेट बैंकिंग द रिस्क इज मोर एज द टिकट साइज इज बिग दो कस्टमर बेस इज रिलेटिवली स्मॉल। बी ऑप्शन है रिटर्न्स आर लेस इन रिटेल बैंकिंग एज द ऑप्शनल कॉस्ट इज वेरी हाई बट इन कॉर्पोरेट बैंकिंग रिटर्न्स विल बी वेरी हाई रिटर्न्स विल बी हाई एज बैंक्स हैव टू डील विद सेलेक्ट क्लाइंट्स। तो यहां पे जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा सही ऑप्शन है कि रिटर्न्स आर लेस इन रिटेल बैंकिंग एज द ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी हाई बट इन कॉर्पोरेट बैंकिंग रिटर्न्स विल बी हाई एज द बैंक हैव टू डील विद सेलेक्ट क्लाइंट्स। ये बात सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ द रिटेल बैंकिंग ओवर होलसेल बैंकिंग, इनमें से कौन सा बात सही नहीं है या कौन सा बात इनमें से सही नहीं है रिगार्डिंग हो गया जो कि एडवांटेज होता है रिटेल बैंकिंग ओवर होलसेल बैंकिंग के। ए ऑप्शन हो गया जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इज रिलेटिवली लेस इन रिटेल बैंकिंग, बी ऑप्शन है द इम्पैक्ट ऑफ एनपीए विल बी लेस प्रोनाउंस्ड इन रिटेल बैंकिंग देन कॉर्पोरेट बैंकिंग, सी ऑप्शन है मॉनिटरिंग एंड रिकवरी इन रिटेल बैंकिंग इज लेस लेबोरियस बिकॉज ऑफ द लार्ज कस्टमर बेस इज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी कि मॉनिटरिंग एंड रिकवरी रिटेल एसेट्स इज लेस लेबोरियस बिकॉज ऑफ द लार्ज कस्टमर बेस एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बैंकिंग, ठीक है। ये बात गलत है जबकि उल्टा होना चाहिए कि मॉनिटरिंग और रिकवरी करना बहुत डिफिकल्ट है रिटेल बैंकिंग में क्योंकि यहाँ पे कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इसलिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि द सेटिंग अप ऑफ एटीएम वॉज रिकमेंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी, एटीएम की सेटअप करने का किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था। ए ऑप्शन हो गया नरसिम्हम कमिटी, बी ऑप्शन है सारफ कमिटी, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन रंगराजन कमिटी, डी ऑप्शन है शेरे कमिटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में सी यानी रंगराजन कमिटी ने ये ऑप्शन दिया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ टू एटीएम कैटेगरीज डज नॉट मैच, इनमें से कौन सा जो एक्सप्लेनेशन एटीएम कैटेगरी के लिए मैच नहीं करता है, ठीक है। तो सही ए ऑप्शन है आपका नेटवर्क एटीएम विच इज कनेक्टेड टू सम एटीएम नेटवर्क, बी ऑप्शन ऑफसाइट एटीएम विच इज नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन है ऑनसाइट एटीएम द एटीएम विच इज विद इन आउटसाइड द ब्रांच प्रेमिसेस, डी ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑन एटीएम द एटीएम विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एटीएम नेटवर्क। सही क्या क्वेश्चन है डज नॉट मैच है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑफसाइट एटीएम विच इज नॉट कनेक्टेड टू डेटाबेस ऑफ द बैंक। ऑफसाइड एटीएम मतलब वो एटीएम है जो बैंक ब्रांच के बाहर है और डेटाबेस से कनेक्टेड है तभी तो एटीएम काम करेगा, ठीक है। आप बोलते कनेक्ट ही नहीं तो इसलिए बी ऑप्शन गलत हो गया। सातवां क्वेश्चन है एन एटीएम विद ए डिपोजिटरी विच सर्व्स द कस्टमर बेस फॉर कैश विड्रॉल्स ओनली इज कॉल्ड, जो एटीएम होता है डिपोजिटरी सर्व करता है जहां पे कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल का फंक्शन करता है इसको हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो गया कैश पर्स, बी ऑप्शन हो गया कैश डिस्पेंसर, सी ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रॉनिक पर्स, डी ऑप्शन हो गया स्टैंड अलोन एटीएम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी कैश डिस्पेंसर।
आठवां क्वेश्चन है, विच व्हाट आर द नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द एटीएम फॉर वेरियस पर्पसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन स्लॉट वन सा स्लॉट। कितना नंबर ऑफ का स्लॉट, कितना नंबर होता है स्लॉट्स का एटीएम में जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए होता है, इनमें से कौन सा जो चीज है वो इनमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा एक स्लॉट नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया डिपॉजिट स्लॉट, दूसरा ऑप्शन हो गया कैश डिस्पेंसर, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका कार्ड रीडर, चौथा ऑप्शन हो गया पिन। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इस केस में पिन, पिन नाम को कोई डिस्पेंसर नहीं होता है। नौवां हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, द स्पेशल ब्रीड ऑफ एटीएम्स कैपेबल ऑफ थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स आर कॉल्ड। ऐसा एटीएम का ब्रीड, ऐसा एटीएम का प्रजाति या स्पेशल ब्रीड बोल लीजिए जो कि ताकत रखता है सोचने का खुद से, उसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है EFTPOS, बी ऑप्शन है बी ऑप्शन है EFTATM, सी ऑप्शन है HWAK, डी ऑप्शन है चार्ज एटीएम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी HWAK। दसवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पिन, पिन के संबंध में कौन सी बात सही है। ए ऑप्शन है पिन स्टैंड फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन नंबर, बी ऑप्शन है पिन इज सिमिलर टू द पासवर्ड, सी ऑप्शन है पिन इज नॉट इंसर्टेड ऑन द एसआई, पिन इज नॉट इंसर्टेड ऑन द एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, पिन इज सिमिलर टू ए पासवर्ड। यहाँ पे एक मेगा ऑफर है और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जीआईबी और सीआईबी कोर्सेज कराई जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज दे सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जीआईबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशनल पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 600 रुपए। अगर आप जीआईबी का कॉमन पेपर खरीदते हैं यानी तीनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपए। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1100 रुपए। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपए, ऑफर प्राइस में दाम रहेगा 1500 रुपए। 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jivcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया sidsinha123@gmail.com।